नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल सुपर आरपी इंग्लिश पर। आज मैं इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ जो ना तो ग्रामर का है ना वोकेबलरी का है, यानी कि जब इन दोनों का ही नहीं है तो ये टॉपिक है क्या। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं हमें, और ये वोकेबलरी और ग्रामर दोनों का मिक्सर है। ये दोनों के मिलाए हुए दोनों के क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत शानदार टॉपिक है। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जब आप देखोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार ये तो सही है, ऐसे वर्ड तो ऐसे एग्जाम में आते हैं लेकिन हमने कभी गौर इन पर नहीं किया, ऐसे आप इसको सोचोगे। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले है वर्ब्स कन्फ्यूज्ड विद वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। कुछ ऐसी वर्ब्स जो कन्फ्यूज हो जाती हैं किसके रूप में, या तो हम उसको वर्ब मान लेते हैं, वर्ब होती है, अगर वर्ब मान लेते हैं तब तो हम सही हैं, या फिर हम गलती से उसको नाउन मान लेते हैं या फिर एडजेक्टिव मान लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों के रूप में ये बातें कन्फ्यूज होती हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद हम चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। कैसे इसके किस तरह एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। पहले इन तीनों का नाम और इन तीनों की परिभाषाएँ देख लेते हैं कि ये क्या होता है। हो सकता है आप सबको पता भी हो, मैं पहले सबसे लिखना चाह रहा हूँ। एक तो वर्ड है हमारे पास नाउन, ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारे पास वर्ब, और तीसरा वर्ड है हमारे पास एडजेक्टिव। ये तीन वर्ड हैं, इन तीनों वर्ड की टर्मिनोलॉजी, इनकी डेफिनेशन क्लियर करो पहले। नाउन क्या होती है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि जब ऐसी कोई चीज जिससे आपको पता चले कि ये किसी का नाम है, ऐसा कोई शब्द जिससे आपको पता चले कि ये किसी का नाम है, वो हमेशा नाउन कहलाती है। ठीक है, नाउन पांच प्रकार की होती है। पांच प्रकार के नाउन में अगर बात करें, पहली होती है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अगली होती है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद अगली होती है मटेरियल नाउन, उसको बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। बातें क्लियर हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्तियों के विशेष चीज़ों के नाम दिए हुए होंगे। जैसे मैं बोलूँ व्यक्तिवाचक का अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे मैं बोलूँ रवि, ये व्यक्ति का नाम है। उसी में अगर मैं जातिवाचक का उदाहरण देना चाहूँ तो मैं बोलूँ लड़का। ठीक है, अगर मैंने बोला शहर तो ये जातिवाचक है, लेकिन वहीं अगर मैं इसका नाम, शहर का नाम ले लूँ किसी का प्रसिद्ध, जैसे मैं बोलूँ बॉम्बे, तो ये फिर व्यक्तिवाचक है। बातें क्लियर हो रही हैं? यानी अगर किसी का नाम से कोई नाम अगर हो किसी भी शब्द का, तो वो हमेशा नाउन कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिससे हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, जैसे मैं बोलूँ ईमानदारी, झूठ, सच्चाई, ठीक है, अच्छाई, बुराई, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। बातें क्लियर हुई आप लोगों को? अब देखते हैं दूसरा है वर्ब, ये वर्ड नहीं है सॉरी, वर्ब। और वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जो एक्शन वर्ड कहलाता है, यानी जो हमारे वाक्य के अंदर क्या क्रिएट करे, एक्शन क्रिएट करे। और तीन नंबर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण जो या तो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की कोई क्या बता दे, जो विशेषता बता दे वो शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूँ गुड बॉय, ठीक है, यहाँ पे अगर बॉय को देखा जाए तो बॉय एक नाउन है, वहीं अगर गुड को देखा जाए तो गुड एक एडजेक्टिव है। लड़के की विशेषता बताइए कि अच्छा लड़का, इसीलिए गुड अपने आप में क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी शायद, ये चीज़ें मैं मिटा दूँ। अब मैं देख इन शब्दों को मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और हम इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हाँ ये शब्द अलग अलग है सारे, लेकिन हम कॉमनली इनको एक ही मानते हैं। ये चीज़ हम आप आज सीखने वाले हैं मिलकर सारे। पहला वर्ड है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उच्चारण दोनों का सेम है, एक में लगा हुआ है सी ई, एक में लगा हुआ है एस ई, दोनों में बहुत ही प्यारा सा अंतर है दोस्तों। ध्यान से देखो क्या है, ऊपर वाली जो है ना प्रैक्टिस, इसका अर्थ होता है प्रयास, प्रैक्टिस, प्रयास या फिर कोशिश, प्रयास या फिर कोशिश, ठीक है। और प्रैक्टिस यानी प्रयास या फिर कोशिश, इसका मतलब ये क्या हो गया अपने आप में, नाउन। और नीचे वाला जो शब्द है इसका अर्थ है, प्रैक्टिस का अर्थ है प्रयास करना या फिर कोशिश करना,
प्रयास करना या फिर कोशिश करना, तो ये क्या हो गई अपने आप में वर्ब हो गई, ये क्या हो गई वर्ब हो गई। दोनों बातें क्लियर हुई। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, वर्ब की जगह तो वर्ब ही यूज होनी चाहिए, है ना, वर्ब की जगह तो क्या यूज होनी चाहिए, वर्ब यूज होनी चाहिए, लेकिन गलती से ये वाली वर्ब यूज कर देते हैं, ऊपर वाले को वर्ब मान लेते हैं गलती से, लेकिन ऊपर वाली तो क्या है नाउन है, ठीक है। अगर हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो मैं दो तरीके से बनाता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। पी आर ए सी टी आई सी ई, पी आर ए सी टी आई सी ई डी, और यही थर्ड है। वहीं एक और मैं बनाऊँ प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस, पी आर ए सी टी आई ए सी डी, प्रैक्टिस्ड, एंड ये एक है। दोनों में क्या अंतर है ध्यान से देखते हैं, एक में सी आया हुआ है, एक में एस आया हुआ है। सेकंड फॉर्म भी मैंने इसकी बना दी और सेकंड फॉर्म भी मैंने इसकी बना दी। सही ऊपर वाला है या नीचे वाला है ये आप बताओगे। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नाउन की बनती है या वर्ब की बनती है बताओ। बिल्कुल सेकंड और थर्ड फॉर्म किसकी बनती है, वर्ब की। और दोनों में से वर्ब कौन सी है, वर्ब है नीचे वाली, इसीलिए सही कौन सी है ये वाली है, ये वाली चीज क्या है गलत है। बोलो बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्या मिटा दिया जाए इस बात को। एक और बता दें तो इसमें उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण और बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं बोलूं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये एक इंग्लिश की बहुत अच्छी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोशिश प्रयास आदमी को पूर्ण बनाता है, कोशिश करते रहने से धीरे 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 करके हम पूर्ण बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है हमारा नॉलेज, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब देखो ये वाली क्या है, वर्ब है, वर्ब है ना, वर्ब से पहले यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन हो सकता है या क्या हो सकती है प्रोनाउन। अभी ये किसके रूप में है बताओ, अभी ये जो प्रैक्टिस में वर्ड मैंने यूज किया है ये नाउन है या वर्ब है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ से देखें तो ये तो क्या है, वर्ब है प्रैक्टिस, और होना कौन सा चाहिए, ऊपर वाला होना चाहिए। इस तरीके से गलती आती है, और यहाँ पे सही शब्द होना चाहिए पी आर ए सी टी आई सी ई। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोलो। ये वाला आना चाहिए था, ऊपर वाला आना चाहिए था, हमने गलती से ये वाला यूज कर दिया। प्रैक्टिस ये नहीं होगा, ऊपर वाला सीई वाला होगा, एस ई वाला नहीं होगा, क्योंकि हम वाक्य की शुरुआत में इस तरीके से वर्ब का यूज नहीं कर सकते, नाउन का ही यूज कर सकते हैं। बोलो बातें क्लियर हुई आप लोगों को, इस चीज को मिटा दिया जाए, ठीक है। आगे देखो मैं धीरे धीरे और बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज से आपको क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइस, दोनों में बहुत प्यारा अंतर है सेम। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, सलाह है देना, दोनों में अंतर समझ में आया, सलाह और सलाह देना, ठीक है। यानी ऊपर वाली क्या हो गई नाउन हो गई, नीचे वाली क्या हो गई वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखो अगर इसको गौर से अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, जैसे मैं ऐसे बोलूँ, छोटा सेंटेंस लिखूँ, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, तो इस वाक्य में क्या ये वाला पार्ट अभी आपको सही दिखाई दे रहा है या गलत दिखाई दे रहा है, ध्यान से बताओ। ये मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म किसकी बनेगी, हमेशा वर्ब की बनेगी, और तो ये वाली हमने गलत यूज कर दिया या सही कर दिया, बिल्कुल ये क्या कर दिया हमने, गलत यूज किया है। होना इसकी जगह क्या चाहिए था, ए डी वी आई एस ई डी। बस ये छोटी छोटी गलतियां पूछी जाती हैं, एक एक अक्षर की गलतियां होती हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं, और ये सीजीएलए में तो कई बार इसको पूछा गया है, ठीक है। आप इस पे गौर करोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या ये मिटा दूं मैं, ठीक है। ऐसे ही शब्द हैं, ध्यान से अगर गौर करेंगे तो सारे शब्द हम सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, कंप्लेंट और कंप्लेन, दो वर्ड है, कंप्लेंट और कंप्लेन। कंप्लेंट का अर्थ होता है प्यारे बच्चों शिकायत, कंप्लेंट का अर्थ क्या होता है शिकायत, और कंप्लेन का अर्थ क्या होता है शिकायत करना, शिकायत करना, ये नाउन है और ये क्या है वर्ब है, इसका अर्थ है शिकायत, और इसका अर्थ क्या होता है शिकायत करना। बातें क्लियर हुई आप लोगों को। अब देखो सेकंड फॉर्म इसकी बनेगी कि इसकी बनेगी, नीचे वाले की बनेगी, क्योंकि वर्ब तो नीचे वाली है कंप्लेंट, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मैं तेरे विरुद्ध कंप्लेन करवा दूंगा, ये गलत बोलते हैं हम, मैं तेरे विरुद्ध कंप्लेंट करवा दूंगा, कंप्लेंट, ठीक है ना, कंप्लेंट। और एक और बता दूं मैं आपको छोटी सी बात, इस कंप्लेन की बात आई गई है तो, जहां एक होता है ना एफ आई आर, आपने नाम सुना होगा एफ आई आर, एफ आई आर, ठीक है, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट जब थाने में दर्ज करवाई जाती है, लिखवाई नहीं जाती, इसको लॉज करवाया जाता है, एल ओ डी जी ई, लॉज का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दर्ज करवाना,
ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन कई बार क्लोज टेस्ट में पूछ लिया जाता है। FIR को हमेशा क्या करवाया जाता है, लॉज करवाया जाता है, LODGE। जो सेकंड ग्रेड की ओर की तैयारी कर रहे हैं उनके ये काम की चीजें हैं, LODGE, लॉज, लॉज करके दर्ज करवाना, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वह है इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट और अफेक्ट, इसका अर्थ होता है प्रभाव और इसका अर्थ है प्रभावित करना, प्रभावित करना। अब बताओ नाउन कौन सी और वर्ब कौन सी है, दोनों में आप गौर करके बताओ कि कौन सी नाउन और कौन सी वर्ब है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ऊपर वाली क्या है नाउन है और नीचे वाली क्या है वर्ब है, क्योंकि प्रभावित करना, शिकायत करना, सलाह देना, ये वाली वर्ब हो गई। अब देखो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का अगर थोड़ा सा जिक्र किया जाए तो ऊपर वाले की बनेगी कि नीचे वाले की बनेगी, बिल्कुल नीचे वाले की बनेगी। एक छोटा सा मैं सेंटेंस आपको बताऊं कि सी EFFECTED affected me much। अब बताओ इस वाक्य में ये वाला जो पार्ट है ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ध्यान से अगर सोच के देखोगे तो बता सकते हो आप लोग ये वाला पार्ट मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। सी affected me much आएगा या सी affected me much आएगा, AFFECTED ए आएगा या ई आएगा, बिल्कुल क्या आएगा ए आएगा। क्यों, क्योंकि ई वाली तो नाउन है और नाउन की कभी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, हम किसकी बना सकते हैं केवल प्यारे बच्चों वर्ब की ही बना सकते हैं। बोलो बातें समझ में आई, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हील, HEAL हील। ये वर्ड मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, इसका अर्थ होता है घाव का ठीक होना, घाव का ठीक होना या घाव का भरना, हील होना, इसे बोलते हैं हील, हील, हीलिंग, ठीक है। और ये जो हील है HEAL, इसका अर्थ होता है AD, अपनी जो हील होती है ना उसकी बात करते हैं, HEAL हील मीन्स AD, HEAL हील, हील का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों AD, यानी ये तो क्या हो गई नाउन हो गई और ये क्या हो गई वर्ब हो गई, ठीक है। ये तो AD यानी किसी चीज का नाम है, ये तो हमारे शरीर के अंग का नाम है, बॉडी पार्ट का नाम है, तो ये तो AD नाउन है और HEAL हील जो है इसका अर्थ है घाव का भरना, ये क्या है वर्ब है। सेकेंड फॉर्म हमेशा किसकी बनेगी, ऊपर वाले की बनेगी, वर्ब की बनेगी, कभी भी नाउन की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनती है। बोलो बातें क्लियर हुई। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो टाइम हील्स एवरी सोरो, टाइम हील्स एवरी सोरो, ये एक अंग्रेजी की कहावत है, समय जो है वो हर घाव को, हर दर्द को, हर दुख को भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारे जो दुख दर्द हैं उसको हम भूलते जाते हैं, ठीक है। तो टाइम हील्स एवरी सोरो, अब देखो ये वाला पार्ट है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां आती हैं और हम गौर नहीं कर पाते इन चीज़ों पे, ठीक है। टाइम हील्स एवरी सोरो, ये वाला पार्ट जो है प्यारे बच्चों ये गलत है, और गलत ये क्यों है, क्योंकि इसमें हमने हील एडी वाला यूज ले लिया, हमें HEAL वाला यूज लेना था, यहाँ पे होना चाहिए था HEALS हील्स। बातें क्लियर हुई आप लोगों को, बोलो मिटा दिया जाए, टाइम हील्स एवरी सोरो, ठीक है, यानी कि समय जो है हर दुख दर्द को मिटा देता है। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, एक वर्ड अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट, तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट का अर्थ क्या होता है, अडॉप्ट का अर्थ क्या होता है, गोद लेना, गोद लेना या फिर अपनाना, गोद लेना या फिर अपनाना। अडेप्ट का अर्थ कहता है अनुकूल बनना, किसी चीज के, किसी भी स्थिति के क्या बन जाना, अनुकूल बन जाना। और नेक्स्ट है अडेप्ट, इसका अर्थ है निपुण, इसका अर्थ क्या है निपुण, ठीक है। मैं तीन वर्ड बताए मैंने आपको, अब अगर इनका जिक्र किया जाए ध्यान से, अगर सोचा जाए इसके बारे में, तो ADOPT अडॉप्ट मीन्स क्या होता है, गोद लेना। देखो गोद लेना या अपनाना, दो तरीके बताए मैंने, गोद लेना या फिर किसी चीज को अपनाना। कोई भी आइडिया जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है, कोई भी मेथड जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। और अडेप्ट या फिर गोद लेना यानी किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, ठीक है। मैं अगर कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखूं तो देखो, जैसे मैं बोलूं दे हैड नो चिल्ड्रेन ऑफ देयर ओवन, ध्यान से देखो मैं लिख ही देता हूं, चलो दे हैड नो चिल्ड्रेन, दे हैड नो चाइल्ड ऑफ देयर ओवन, सो दे wanted to
एन ओफन ओ आर पी एच ए एन, ध्यान से इस वाक्य को देखो, दे हैड नो चाइल्ड ऑफ देयर ओन, ओन का अर्थ क्या होता है अपना, ठीक है, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, सो दे वॉन्टेड, इसीलिए वो क्या चाहते थे, टू एन ओफन ऑफ, अब तीन एग्जाम्पल, तीन ऑप्शन हमारे पास यही है, अडोप्ट अडेप्ट एंड अडेप्ट, तीन ऑप्शन है अडोप्ट अडप्ट एंड अडेप्ट। अब देखो ऑफन का अर्थ क्या होता है अनाथ, अनाथ जो बच्चा होता है उसको ऑफन बोलते हैं, यानी कि ए चाइल्ड हु हैज नो पेरेंट्स, ठीक है, जिसके बच्चे सॉरी जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं ऐसा बच्चा, और एक वर्ड इसी से बनता है ओ आर पी एच ए एन ए जी ई, ओ आर पी एच ए एन ए जी ई, प्यारे बच्चों ऑफनेज का अर्थ क्या होता है अनाथालय, यानी कि ए हाउस या ए होम फॉर ऑफन्स, जो ऑफन जो लोग होते हैं, ऑफन जो बच्चे होते हैं, अनाथ जो होते हैं, उनका जो घर होता है दैट इज कॉल्ड ऑफनेज। बातें क्लियर हुई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऑफनेज का अर्थ क्या होता है अनाथालय, ये आप लिख लेना, इसी से बनाया है साथ में। अब यहाँ पे हम क्या वर्ड भरेंगे, दे वॉन्ट टू अडोप्ट, ना कि अडेप्ट या अडेप्ट ये वाला यूज नहीं करेंगे, वो क्या करना चाहते थे, वो एक ऑफन को गोद लेना चाहते थे, तो ये वाला अडोप्ट मीन्स गोद लेना या अपनाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी अडोप्टेड एंड अडोप्टेड, यानी कि ये क्या है अपने आप में एक वर्ब है, अडेप्ट यानी अपने आप का किसी चीज के प्रति क्या बन जाना अनुकूल बन जाना। क्या ये सेंटेंस में मिटा दूं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो नोट करते रहना ये सेंटेंस, इसी से क्वेश्चन बन के आएंगे आप लोगों के। जैसे ए डी ए पी टी है ना, इससे बनता है ए डी ए पी टी ए बी एल ई अडेप्टेबल, ए डी ए पी टी आई बी आई एल आई टी वाई अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबल एंड अडेप्टेबिलिटी दो तीन वर्ड हो गए। अडेप्टेबल का अर्थ क्या होता है, जो अनुकूल बन जाता है उसको बोलते हैं अडेप्टेबल, मैं बोलूँ वी शुड बी अडेप्टेबल, वी शुड बी अडेप्टेबल, यानी कि हमें अडेप्टेबल होना चाहिए किसी चीज के। अडेप्टेबिलिटी अनुकूलता, अडेप्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है अनुकूलता, ये नाउन बन जाती है इससे। तो अडेप्ट ज्यादा अगर इस ये बात नहीं समझ में, इसी से वर्ड बने हैं ये ए डी ए पी टी, ये अनुकूल बनना इसका मतलब ये अपने आप में एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी अडेप्टेड एंड अडेप्टेड। वही अडेप्टेबल जो है इस ये बन गया इससे एडजेक्टिव। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर वर्ब से एडजेक्टिव या फिर नाउन कैसे बनाई जाए, तो ये देखो इसके कुछ रूल वैसे तो होते हैं कि ए बी एल ई लगा दो आई ओ एन लगा दो, लेकिन उन चीज़ों को रटने से ज़्यादा अच्छा है कि समझ आ जाए चीज़ों को कैसे बनता है, अर्थ समझा जाए। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल मीन्स ये इसका विशेषण, अडेप्टेबल पर्सन होते हैं, ठीक है, अडेप्टेबल चीज़ें होती हैं। अडेप्टेबिलिटी, जैसे मान लो आप कोई शहर में गए, नए शहर में, वहाँ पर वहाँ का वातावरण ऐसा है कि आप उसके अनुकूल बन सकते हो, इसका मतलब दैट सिटी इज अडेप्टेबल फॉर यू, दैट सिटी इज अडेप्टेबल टू यू, बातें समझ में आई है, वो अडेप्टेबल है। एंड नेक्स्ट देखो अडेप्टेबिलिटी अनुकूलता, अडेप्टेबिलिटी मीन्स अनुकूलता। एक इसके साथ मैंने बताया था अडेप्ट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी होता है, अडेप्ट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ए डी ए पी टी अडेप्ट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये बाकी जिक्र तो हम प्रोनाउन में करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो, जैसे मैं बोलूँ आपको माई सेल्फ आवर सेल्वेज योर सेल्फ योर सेल्वेज हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ देम सेल्वेज, ये जो वर्ड होते हैं ना ये सारे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी होता है। एक बार मैं इसको समझा दूँ उसके बाद हम अडेप्ट पे दोबारा से जिक्र करेंगे, इन चीज़ों को मिटा दिया जाए एक बार के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है ए डी ई पी टी, इसका अर्थ है निपुण अडेप्ट, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, ये तो वर्ब थी, ये ऊपर वाली दोनों वर्ब थी, और ये वाला क्या हो गया अभी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये तो विशेषता बता रहे किसी की। नेक्स्ट देखो बोट और ब्रोट, ये तो सिंपल सी चीज़ है, बी यू वाई बाई, बाई की सेकेंड फॉर्म होती है बोट, और थर्ड फॉर्म में क्या होती है बोट। वहीं अगर देखा जाए बी आर आई एन जी ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है ब्रोट, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट। तो इस ये तो बोट जो है ये बाइक की थर्ड फॉर्म है या बाइक की सेकंड फॉर्म है, ये ब्रोट जो है ये ब्रिंग की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, तो ये तो सबको पता है। बाइक का अर्थ होता है प्यारे बच्चों खरीदना, एंड ब्रिंग का अर्थ क्या होता है लाना, ये इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, इसको मिटा दिया जाए। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा वर्ड है लॉस, लॉस एंड लूज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
एल ओ एस ई, इसका अर्थ है खोना, लॉस कर देना या फिर हारना, लॉस। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपने आप में एक वर्ब, ये क्या हो गई अपने आप में एक वर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, एल ओ एस ई, लॉस की सेकंड फॉर्म होती है लॉस, लॉस्ट एंड लॉस्ट। जैसे मैं बोलूं वी हैव लॉस्ट द मैच, हमने मैच खो दिया है या हम मैच हार गए हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए इस चीज को लॉस। अब एल ओ डबल एस, इसका अर्थ होता है लॉस का अर्थ होता है घाटा या फिर हानि। ठीक है, और एल डब्ल्यू एस, इसका अर्थ होता है, इसको बोलते हैं लूज, ये होता है ढीला, इसका अर्थ क्या होता है ढीला। लॉस मीन्स खोना, एल ओ डब्ल्यू एस इस मीन्स होता है घाटा या हानि, और लूज का अर्थ क्या होता है ढीला। ठीक है, लूज चीजें होती है ना कुछ, तो ये तो क्या हो गई वर्ब हो गई। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो लॉस्ट एंड लॉस्ट, वहीं अगर लॉस घाटा या हानि तो ये क्या हो गई अपने आप में नाउन हो गई। ठीक है, एंड एल डब्ल्यू एस लूज मीन्स ढीला, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषण है ढीला कोई भी चीज के लिए। जैसे मैं बोलूँ कोई भी चीज़ हो जिसमें ये जो स्क्रू है ये ढीला है, थोड़ा बातें क्लियर हो गई, ये जो स्क्रू है ये क्या है ढीला है, लूज करेक्टर होता है। ठीक है, और इन तीनों में बातें समझ में आ गई, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एक बात मैं बता दूं, जब तक आप किसी भी वर्ड को ये पहचाना चालू नहीं करोगे ना कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तब तक बातें कुछ कम समझ में आएंगी। इसीलिए इन चीज़ों को पहचानना पहले शुरू करो, और पहचानोगे कैसे, प्रैक्टिस के जरिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट से बस। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो इससे कई ईडियम भी बनते हैं एल ओ एस ई से, जैसे मैं बोलूँ लॉस वंस टेम्पर, लॉस वंस टेम्पर, एक मैं बोलूँ लॉस वंस हेड, एक मैं बोलूँ लॉस फेस, लॉस फेस, ये मुहावरे बनते हैं अंग्रेजी के। लॉस, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल, तो लॉस वंस टेम्पर का अर्थ क्या होता है, लॉस वंस टेम्पर एंड लॉस वंस हेड, दोनों का ये अर्थ है आपा खो देना आपने। ठीक है, आपा खो देना यानी कि अपने माइंड पे अपना कंट्रोल ना रहना, नो कंट्रोल ओवर द माइंड, नो कंट्रोल ओवर द माइंड, यानी कि हमारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहना। टेम्पर का अर्थ क्या होता है धैर्य, अपना धैर्य खो देना। हेड मीन्स होता है सिर, ये इसका मतलब अपना दिमाग, दिमाग खो देना मतलब आपा खो देना। एंड लॉस फेस, लॉस मीन्स खो देना, फेस मीन्स चेहरा, चेहरा खो देना, इसका अर्थ है कि बेइज्जती होना, सम्मान खो देना, अपनी इज्जत को गंवा देना। बातें क्लियर हो गई, लॉस फेस, लॉस वंस हेड एंड लॉस टेम्पर, ये इतनी चीज़ें थी। तो ये चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये साथ साथ जो चीज़ें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें इसको नोट जरूर करो, मिटा दिया जाए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, डी ई एस ई आर टी डेजर्ट एंड डी ई डब्ल एस ई आर टी डेजर्ट। डी ई एस ई आर टी, इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो अर्थ होता है प्यारे बच्चों इसका रेगिस्तान, एक तो अर्थ क्या होता है रेगिस्तान, एक अर्थ होता है किसी को बीच में छोड़ देना, डेजर्ट को क्या कर देना किसी को बीच में छोड़ देना। अगर रेगिस्तान के रूप में अर्थ निकलेगा तो ये नाउन है, और अगर छोड़ देना के रूप में अर्थ निकलेगा तो ये क्या है वर्ब है, डेजर्ट कर देना। जैसे मैं बोलूँ ही डेजर्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, ही डी ई एस ई आर टी डेजर्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड वेंट टू अब्रॉड। ठीक है, या वेंट टू अदर सिटी। अब देखो ही डेजर्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, इसका अर्थ है उसने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को बीच में छोड़ दिया। डेजर्ट, एक idiom होता है लिव इन द डेजर्ट, लिव एल ई ए वी ई, लिव समबडी इन द डेजर्ट, यानी कि किसी को क्या कर देना मझधार में छोड़ देना, लिव समबडी इन द डेजर्ट या रेगिस्तान में किसी को छोड़ देना। बातें क्लियर हो रही हैं, इसका अर्थ है मुसीबत में किसी का साथ है नहीं देना। तो यहाँ पे डेजर्ट है, इसका अर्थ है छोड़ देना। ठीक है, तो डेजर्ट के दो अर्थ निकलते हैं, रेगिस्तान या फिर छोड़ देना किसी का। अगर रेगिस्तान के रूप में अर्थ निकल रहा है तो ये नाउन है, और अगर छोड़ देना के रूप में अर्थ निकल रहा है तो ये अपने आप में क्या है वर्ब है। बोलो मिटा दूं मैं इस चीज को। ठीक है, अभी हमने लॉस से संबंधित दो तीन idiom पढ़े थे, लॉस वंस फेस, लॉस वंस टेम्पर एंड लॉस वंस माइंड, ये idiom हमने पढ़े थे। वहीं अगर देखा जाए अब डेजर्ट का, डी ई डब्ल एस ई आर टी, ये होती है स्वीट डिश, स्वीट डिश एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी, स्वीट डिश, स्वीट डिश मतलब खाना खाने के बाद, द डिश टेकन आफ्टर
द मील्स, भोजन के बाद खाना खाने के बाद जो स्वीट डिश खाई जाती है उसको बोलते हैं डेजर्ट, DESERT, जैसे मान लो पाइन एपल डेजर्ट, बनाना डेजर्ट, ठीक है, यानी कि स्वीट डेजर्ट, मिठाई जो होती है उसको बोलते हैं, या फिर खाना खाने के बाद जो खाया जाता है दैट इज कॉल्ड डेजर्ट, ठीक है। इन्वेंट या डिस्कवर, जैसे सूप चीनी भी लेते हैं लोग, तो दैट इज डेजर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्वेंट एंड डिस्कवर दोनों वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया दोनों, ठीक है। अगर स्वीट डिश के रूप में ये देखा जाए तो ये तो नाउन है, ये तो किसी चीज का नाम है, स्वीट डिश, तो ये क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है, आप नाउन में इनमें अंतर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, इन्वेंट एंड डिस्कवर दोनों का ही अर्थ होता है किसी चीज को खोजना, बट जो इन्वेंट होता है ना वो हमेशा जो साइंस के जो उपकरण होते हैं, साइंस के जो उपकरण होते हैं ना, एपरेटस होते हैं, उनको खोजा जाता है, ठीक है। साइंस से संबंधित यानी साइंटिफिक जो भी चीजें होती हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन बोला जाता है इनको, यानी कि जो उपकरण होते हैं या फिर कोई आविष्कार किया जाता है उसको तो बोलते हैं इन्वेंट। और डिस्कवर का अर्थ होता है जो चीज़ें पहले से ही मौजूद होती हैं, डिस्कवर खोजना अर्थ होता है, लेकिन कोई नया नहीं बनाया जाता इस धरती पे, जो पहले से मौजूद हैं बस उनका पता लगाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाती हैं, डिस्कवर करना कहलाती है। बातें क्लियर हुई। जैसे मैं बोलूँ चार्ल्स बेबेज डिस्कवर्ड द कंप्यूटर या फिर इन्वेंटेड द कंप्यूटर, बताओ आप लोग, इन्वेंटेड होगा क्योंकि कोई कंप्यूटर पहले से मौजूद तो नहीं था, डिस्कवर तो नहीं किया गया उसको, उसको इन्वेंट किया गया, नया बनाया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं कि भाई अमेरिका वॉज खालिस्तान इन्वेंटेड बाई कोलम्बस या फिर डिस्कवर्ड बाई कोलम्बस, बताओ डिस्कवर्ड बाई आएगा, क्योंकि अमेरिका जो महाद्वीप था वो तो पहले से ही वहाँ पे, जो भी जगह थी सॉरी, वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, तो उसको तो नया बनाया नहीं गया कोई, वो तो पहले से ही वहाँ पे क्या थी, मौजूद थी। बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। तो इन्वेंट जो नया बनाया जाता है और डिस्कवर जो पहले से मौजूद होता है उसका पता लगाया जाता है, दोनों ही अपने आप में वर्ब है, ठीक है, दोनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है, और दोनों का इन्वेंट मतलब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगी इन्वेंटेड इन्वेंटेड, और डिस्कवर की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी डिस्कवर्ड एंड डिस्कवर्ड। नेक्स्ट देखा जाए अश्योर एनश्योर एंड इनश्योर, दोनों तीनों अलग अलग चीजें हैं, अश्योर एनश्योर एंड इनश्योर। अश्योर का अर्थ क्या होता है, आश्वस्त करना, ठीक है, किसी को क्या करना, आश्वस्त करना। एश्योर, एश्योर से बना है एश्योरेंस, ASURANCE, एश्योरेंस का अर्थ क्या होता है, आश्वासन। जैसे मैं बोलूं कि भाई द लीडर अश्योर्ड अस दैट एवरीथिंग वुड बी डन दैट इज पॉसिबल, ठीक है, यानी कि लीडर ने हमें क्या किया, अश्योरेंस दिया या अश्योर किया कि सब कुछ किया जाएगा जो पॉसिबल है, ठीक है, यानी अश्योरेंस मीन्स आश्वासन। एनश्योर का अर्थ क्या होता है, सुनिश्चित करना, एनश्योर का अर्थ क्या होता है, सुनिश्चित करना। और इंश्योर का अर्थ क्या होता है, बीमा करना, तीनों अलग अलग चीजें हैं, इंश्योर का अर्थ क्या होता है, बीमा करना। अश्योर एनश्योर एंड इंश्योर, ठीक है, अब मैं तीनों का अर्थ में दोबारा समझा देता हूँ। अश्योर का अर्थ क्या होता है, अश्योर करना, जिसमें बोलता हूँ मैं आपको इस बात के लिए अश्योर करता हूँ, यानी आश्वस्त करता हूँ, अश्योर। वहीं बात की जाए एनश्योर की, ENSURE, एनश्योर करना, यानी कि सुनिश्चित करना। जैसे मैं बोलूँ कि दीज वीडियोज विल एनश्योर योर सक्सेस, ये जो वीडियोज हैं ये तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। बातें क्लियर हो गई, यानी कि एनश्योर। नेक्स्ट देखो इंश्योर, इंश्योर का अर्थ इंश्योरेंस जो होती है ना उसी से बनाई है, ठीक है, इंश्योर मीन्स बीमा करना किसी की। नेक्स्ट देखो प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का अर्थ क्या होता है, किसी को सलाह देना, किसी को क्या देना, सलाह देना, एडवाइस देना, प्रेस्क्राइब, डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं ना, कुछ बोलते हैं ना जाके कि भाई हमें कुछ टेबलेट्स प्रेस्क्राइब कर दो, या फिर ये दिक्कत है हमारे इसकी कुछ टेबलेट्स या कुछ दवाइयाँ हमें प्रेस्क्राइब करो, ठीक है, प्रेस्क्राइब करना यानी सलाह देना। डॉक्टर हमेशा दवाइयाँ जो देता है ना वो प्रेस्क्राइब करता है हमें कि ये दवाई ले लो आप लोग, तो ये क्या देता है हमें, प्रेस्क्राइब करना। और प्रोस्क्राइब का अर्थ होता है प्यारे बच्चों पाबंदी लगा देना, पाबंदी लगाना, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ऊपर वाले देखते हैं, अश्योर एनश्योर एंड इंश्योर, ये तीनों ही वर्ब हैं, इन तीनों की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी, अश्योर की सेकंड फॉर्म होती है अश्योर्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है अश्योर्ड, एनश्योर की एनश्योर्ड एंड एनश्योर्ड, इंश्योर की इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड, ईडी लग जाता है, ये तीनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है। वहीं अगर बात की जाए प्रेस्क्राइब की,
प्रिस्क्राइब भी वर्ब है एंड प्रोस्क्राइब भी वर्ब है, क्योंकि सलाह देना और पाबंदी लगाना दोनों अपने आप में क्या है, वर्ब है। प्रिस्क्राइब मीन्स सलाह देना और प्रोस्क्राइब मीन्स पाबंदी लगाना। नेक्स्ट देखो एल्यूड एंड एल्यूड दोनों अलग अलग चीजें हैं। एल्यूड का अर्थ क्या होता है, संकेत करना, संकेत करना। और एल्यूड का अर्थ क्या होता है, बच जाना। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एल्यूड मीन्स संकेत करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं किसी की एल्यूड से नाम बनता है एल्यूजन, एल्यूड से क्या नाम बनता है, एल्यूजन, एल्यूजन मीन संकेत, ठीक है। ये दोनों तो क्या होगी, संकेत करना और बच जाना, दोनों क्या होगी, वर्ब होगी। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी ईडी लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको इन दोनों का अर्थ आगे और समझाऊं, यानी कि एल्यूड से कुछ नाम और बनते हैं, जैसे मैं बोलूँ ए डबल एल यू एस आई ओ एन, एल्यूजन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों संकेत। इसी से एक नाम और बनता है ए डबल एल यू एस आई वी, एल्यूजिव का अर्थ क्या होता है, सांकेतिक। एल्यूजिव का अर्थ क्या होता है, सांकेतिक। एल्यूजन संकेत, यानी ये क्या है अपने आप में, नाउन है। और सांकेतिक ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूँ एल्यूजिव स्टाइल, सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक स्टाइल होती है। अलग अलग बातें क्लियर हो रही हैं। यानी एल्यूड करना यानी किसी की तरफ क्या करना, हमारा किसी की तरफ संकेत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोज एंड कंप्राइज, दोनों वर्ड आपको मेरे बता दिया है, मैंने बताया हुआ आपको दोनों वर्ड ही। कंपोज का अर्थ क्या होता है, जो गाने वगैरह होते हैं ना उनको कंपोज किया जाता है। कंपोज का अर्थ क्या होता है, बनाना किसी को। एंड कंप्राइज का अर्थ क्या होता है, से मिलकर बनना, से मिलकर बना होना। दोनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है। कंपोज करना एंड कंप्राइज करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंप्राइज के साथ कभी क्या नहीं लगता है, ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। लेकिन कंपोज, जैसे मैं बोलूं दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय श्रेया घोषाल, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम ले लिया, ठीक है। कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बाय यानी कि, और कंप्राइज यानी किसी चीज से मिलकर बना होना। जैसे मैं बोलूं दिस हाउस इज कंप्राइज टू रूम्स, दिस हाउस इज कंप्राइज टू रूम्स, ठीक है, यानी दो रूम से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिकेट करना और डेप्रिशिएट करना। डेप्रिकेट का अर्थ क्या होता है पता है, डेप्रिकेट का अर्थ होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्या करना, डेप्रिकेट करना। और डेप्रिशिएट का अर्थ क्या होता है, कम होना, डेप्रिशिएट होना, यानी कि किसी चीज में क्या आ जाना, डेप्रिसिएशन आ जाना, यानी गिरावट आ जाना, गिरावट आना, ठीक है। डेप्रिसिएट से दूसरा वर्ड बनता है डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन नाम ले लूं मैं जैसे डायरेक्ट, करेंसी डी ई पी आर ई सी आई ए टी आई ओ एन, करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कमी, ह्रास, इकोनॉमिक का शब्द है इकोनॉमिक्स का। करेंसी डेप्रिसिएशन मीन्स मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास जो होता है ना, मूल्य में जो कमी आ जाती है, ठीक है, यानी कि जैसे रुपए का मूल्य गिर जाता है कई बार, है ना, उसकी बात है। करेंसी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट करना मतलब कम हो जाना, गिरावट आ जाना। एंड डेप्रिकेट करना मतलब क्या करना, किसी की निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्साइट एंड इनसाइट, एक्साइट एंड इनसाइट। एक्साइट का अर्थ क्या है, किसी को उत्तेजित करना। और इनसाइट का अर्थ क्या होता है, किसी को भड़काना। दोनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है। डेप्रिकेट एंड डेप्रिसिएट दोनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है। डेप्रिकेट के सेकंड फॉर्म है डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड एंड डेप्रिसिएटेड और डेप्रिसिएटेड। एक्साइट मीन्स उत्तेजित करना और इनसाइट मीन्स भड़काना। अंतर क्या है बताऊं आप लोगों को, जब मान लो मैं आपको पढ़ाई के लिए बोलूं कि पढ़ाई करो ऐसे करो, या पढ़ाई करने के लिए मान लो कई बार अपने पेरेंट्स जो होते हैं या टीचर जो होते हैं वो हमसे गलत बातें करते हैं ना, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं ना, वो हमें एक बार के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए होता है। हमें कहीं ना कहीं क्या कर दिया उन्होंने, उत्तेजित कर दिया। मान लो आप पढ़ रहे हो और कोई आपको बोल दे कि तेरे से नहीं होने वाला है, हैं, तेरी इतनी है नहीं औकात कि तू ये सब बन जाए या ये सब ये एग्जाम फाइट कर दे, तो ये चीज़ आपको है ना एक्साइट कर रही है, बातें समझ आ रही है, एक्साइट कर रही है, एक्साइटमेंट पैदा हो रहा है आपके अंदर, उत्तेजना पैदा हो रही है। और जब मान लो कोई ऐसा लीडर है जो मान लो आपको बोले कि जाओ पत्थर फेंको, ये करो वो करो, तोड़ फोड़ करो, है ना, तोड़ फोड़ बोलते हैं सेबोटेज, ठीक है। और जो ऐसा बोलता है ना, ऐसा करने वाले से बोलते हैं डेमेगोग, डी ई एम ए जी ओ जी यू ई, डेमेगोग, ठीक है, यानी भड़काऊ भाषण देने वाला, डी ई एम ए जी ओ जी यू ई। इस स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, डेमेगोग का अर्थ क्या होता है, भड़काऊ भाषण देने वाला, जो लोगों को भड़काता है, इंसाइट करता है, आई एन सी आई टी ई। बोलो बातें क्लियर होगी, ये मैं वर्ड मिटा रहा हूँ। यानी कि ये तो है ना एक्साइट, ये तो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड,
पॉजिटिव सेंस में है, और ये किस सेंस में है, नेगेटिव सेंस में। नेक्स्ट देखो प्रोसीड एंड प्रेसीड। प्रोसीड का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना। प्रोसीड एंड प्रेसीड का अर्थ क्या होता है, पहले आना, पहले आना। दोनों का वर्ड बताऊंगा मैं अभी। प्रोसीड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना, एंड प्रेसीड मीन्स क्या होता है, पहले आना। ठीक है, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना और प्रेसीड मीन्स पहले आना। आगे बढ़ना, प्रोसीड से ही नाम बना है प्रोसीजर, ठीक है ना। प्रोसीड से क्या नाम बना है, प्रोसीजर, है ना। पी आर ओ एस ई, पी आर ओ एस ई डी यू आर ई, कई इसको प्रोसीड्यूर पढ़ते होंगे लेकिन ये गलत पढ़ते हैं, प्रोसीजर होता है। इसी से मतलब आगे बढ़ना, यानी आगे का क्या प्रोसीजर है हमारा। बातें क्लियर हो गई, यानी ये तो वर्ब है, दोनों ही अभी तो क्या है हमारी, वर्ब है। और प्रेसीड का अर्थ क्या है, पहले आना। बातें क्लियर हो गई, प्रेसीड हो जाने, यानी प्री नाम आ गया ना, पी आर ई, प्री का अर्थ होता है पहले। बातें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं साइट, साइट और साइट, तीनों ही वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब देखो एस आई टी ई, साइट का अर्थ होता है निर्माण स्थल। साइट का अर्थ क्या होता है, निर्माण स्थल, ठीक है। एस आई जी एस टी, इस साइट का अर्थ क्या होता है, नजारा या फिर दृश्य, ठीक है। और सी आई टी ई, इसका अर्थ क्या होता है, उल्लेख करना। सी आई टी ई साइट मीन्स उल्लेख करना। अब देखो तीनों वर्ड, ये दो दो जो है ना साइट साइट, ये तो दोनों है नाउन, और उल्लेख करना ये क्या है, वर्ब है। एस आई टी ई, जिसमें बोलूँ कि दिस साइट इज परफेक्ट फॉर आवर स्कूल, ये जो साइट है, ये जो स्थल है, निर्माण स्थल, ये हमारे स्कूल के लिए परफेक्ट है। एस आई जी एस टी साइट, जिसे बोलते हैं आई साइट, यानी आँख का दृश्य। बातें क्लियर, आई साइट यानी कि आँखों की रोशनी, नज़ारा, ठीक है। एस आई जी एच टी एंड सी आई टी ई, इसका अर्थ है उल्लेख करना। जैसे कोई पोइम वगैरह होती है ना, उनको पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं साइट करना, यानी कि पढ़ना, वाचन करना, साइट करना। अब देखो एल आई जी एस टी, साइट की सेकंड फॉर्म होती है साइटेड एंड साइटेड, ठीक है। एल आई जी एस टी, लाइट के दो तीन अर्थ निकलते हैं। देखो लाइट का अर्थ हल्का भी होता है, एल आई जी एस टी लाइट मीन्स हल्का होता है ना, लाइट। एल आई जी एस टी लाइट मीन्स प्रकाश भी होता है, और एल आई जी एस टी लाइट मीन्स किसी चीज़ को जलाना भी होता है, लाइट करना। एंड बी यू आर एन, बर्न का अर्थ भी क्या होता है, किसी चीज़ को जलाना। दोनों ही इसके अर्थ निकलते हैं, लेकिन देखो अंतर होता है लाइट में और बर्न में, दोनों ही अभी किसके रूप में है, वर्ब के रूप में, ठीक है ना। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है बताएं आपको। पहले इसका समझो, लाइट के तीन अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है हल्का, जब हल्के के रूप में अर्थ निकलेगा तो उसका वो है एडजेक्टिव, जैसे मान लो लाइट बॉडी, लाइट थिंग, ठीक है। और जब इसका अर्थ निकलेगा प्रकाश के रूप में, दैट इज नाउन। एंड तीसरा है जलाना के रूप में, दैट इज वर्ब, ठीक है। लाइट, लाइटेड एंड लाइटेड। और बर्न की सेकंड फॉर्म होती है बर्नट एंड बर्नट, बी यू आर एन टी। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बी यू आर एन टी। बातें क्लियर हो गई। अब देखो अंतर क्या है, लाइट जो होता है ना वो किसी पर्पज के लिए जलाया जाता है। जैसे हम मोमबत्ती को बर्न नहीं करते, मोमबत्ती को लाइट करते हैं। जो भी बल्ब होता है उसको हम लाइट करते हैं, गैस को जलाते हैं ना, वो लाइट करते हैं, ना कि बर्न। और बर्न होता है मतलब बड़ी संख्या में, ठीक है, एक साथ जला देना किसी चीज़ को, कागज जलाना, कचरा जलाना। तो कचरे को कभी लाइट नहीं किया जाता, कब कचरे को बर्न किया जाता है, किसी पर्पज विशेष के लिए करते हैं ना, है ना। और छोटे स्तर पर वो होता है लाइट करना, और बर्न मीन्स क्या होता है, बड़े स्तर पर जलाना किसी चीज़ को, ठीक है ना। बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे देखते हैं कैनवास एंड कैनवास, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। कैनवास, सी ए एन वी ए डब्ल एस, इसका अर्थ है प्रचार करना, कैनवास करना, प्रचार करना। एंड ये होता है ना कैनवास, ये होता है एक कपड़ा, मोटा कपड़ा होता है, ठीक है। ये तो क्या हो गई, नाउन हो गई, ये क्या होगी प्यारे बच्चों, वाह हो गई। सी ए एन वी ए डब्ल एस वाला जो है ना, इसका अर्थ है प्रचार करना, चुनाव में जब प्रचार करते हैं ना उसको बोलते हैं कैनवास कर देना। बातें क्लियर हो गई, कैनवास करना, कैनवासिंग, कैनवासिंग मतलब प्रचार कैसा चल रहा है। आगे देखें एक वर्ड और होता है इससे कंपेन, ठीक है, सी ए एम पी ए आई जी एन, है ना, जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं कुछ कैंपेन, सी ए एम, सी ए एम पी ए आई जी एन, कैंपेन बोलते हैं। कैंपेन का अर्थ क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन, मतलब चुनावी प्रचार प्रसार का जो होता है ना कैंपेन, है ना, उसको बोलते हैं कैंपेन चलाना। एक कैंपेन चलाया जाता है ना, आंदोलन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन यानी चुनाव का कैंपेन। सी ए एन वी ए डब्ल एस, कैनवास मीन्स प्रचार करना, एंड सी ए एन वी ए एस, इसका अर्थ क्या होता है, मोटा कपड़ा। बहुत सारे वर्ड आज हमने सीख लिए हैं, आप एक बार इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज़।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंक और ग्रोन। ध्यान से देखो, सिंक का अर्थ होता है डूबना, ठीक है। सिंक का अर्थ क्या होता है? डूबना, और डूबना किसका? निर्जीव चीज का डूबना, ठीक है। और ड्रोन का अर्थ होता है डूबना या फिर डुबाना, डूबना या फिर डुबाना, और ये किसका डूबना डुबाना? सजीव का, ठीक है। दो बातें क्लियर हुई, सिंक और ड्रोन दोनों का अर्थ होता है डूबना, लेकिन एक सिंक जो है वो निर्जीव, जैसे अगर जहाज या फिर नाव अगर पानी में डूब गई तो वो सिंक हुई है, ना कि ड्रोन, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का डूब गया तो वो क्या हुआ है? ड्रोन, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग का मैटर है केवल, दोनों ही अपने आप में क्या है? वर्ब है, क्योंकि डूबना डुबाना दोनों का अर्थ निकल रहा है। अगर सिंक की अगर वर्ब की बात की जाए तो सिंक की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है सिंक, सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों सेंक, और थर्ड फॉर्म होती है संक। सिंक, सेंक और संक, जिस प्रकार से ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रंक होता है उसी प्रकार से होता है सिंक, सेंक और संक। तो इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, बातें समझ में आई। नेक्स्ट जो हमारे वर्ड है ना हमारे सामने, रिफ्यूज, डिनाई या रिफ्यूट या फिर डिक्लाइन, तीनों का ही अर्थ है दोस्तों मना कर देना। तीनों का ही अर्थ क्या है? मना कर देना, किसी बात का खंडन कर देना। लेकिन अंतर क्या है? रिफ्यूज नॉर्मल सेंस में यूज लिया जाता है। मान लो आपने किसी से उसकी बुक मांगी, उसने आपको बुक देने से मना कर दिया, तो आपको उसने रिफ्यूज किया है, आर ई एफ यू ऐसे रिफ्यूज कर देना। आपने किसी से हेल्प मांगी, उसने हेल्प की नहीं, मना कर दिया, तो उसने रिफ्यूज किया है। बातें क्लियर हो गई। रिफ्यूज का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल सेंस में देखें तो इसका अर्थ होता है मना करना, ठीक है। और वर्ब है अपने आप में मना करना है, तो रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड एंड रिफ्यूज्ड, ईडी लग जाता है। डिनाई करना या रिफ्यूट कर देना, इस इन दोनों का अर्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिफ्यूट और डिनाई। देखो रिफ्यूज अलग होता है, रिफ्यूट अलग होता है। इन दोनों का अर्थ है खंडन करना, बातों का खंडन करना। मान लो किसी पे कोई इल्जाम लग गया, कोर्ट में उसकी पेशी हुई, वहां पे उसने अपने विरुद्ध जो चार्जेस लगे थे, जो इल्जाम लगे थे, उनका क्या किया? उसने रिफ्यूट किया है या फिर डिनाई किया है, यानी बात स्वीकारने से मना कर देना या फिर उसका खंडन कर देना, है ना। कोई बोले कि भाई तुमने ये मर्डर किया है, अगर वो जो, या फिर कोई चोर है उसको बोले कि आपने ये चोरी की है, तो चोर बोले कि नहीं जी मैंने चोरी नहीं की है, मैं उस रात को, उस दिन को, उस शाम को मैं यहाँ था ही नहीं, तो उसने चार्जेज का जो चार्ज जानते हो ना, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उनका खंडन कर दिया है, उनको डिनाई कर दिया है, उनको रिफ्यूट कर दिया है। बातें क्लियर हुई? रिफ्यूट दी चार्जेज, बहुत अच्छा ये फ्रेज बनता है, पूछा जाता है रिफ्यूट दी चार्जेज। नेक्स्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन, डिक्लाइन का अर्थ ही मना करना ही होता है। डिक्लाइन का अर्थ भी क्या होता है? मना करना। लेकिन ये कौन सा मना करना है? अगर आपको किसी ने ऑफर किया है, आप किसी के घर गए मान लो, और उसने आपको चाय ऑफर की, आपने मना कर दिया, तो आपने डिक्लाइन किया है। आपने, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आपने मना कर दिया, तो आप डिक्लाइन कर रहे हो। डिक्लाइन क्या होता है? ऑफर को मना कर देना। ऑफर जो आ रहा है आपके पास उसको स्वीकारना नहीं, उसको अस्वीकार करना, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन। डिनाई या रिफ्यूट चार्जेस के बारे में होता है, और रिफ्यूज नॉर्मल सेंस में जो चीज़ें मांगते हो या फिर आपको कोई चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, दैट इज रिफ्यूज, ठीक है। दोनों, तीनों ही अपने आप में वर्ब है दोस्तों, ठीक है। रिफ्यूज भी वर्ब है, डिनाई और रिफ्यूट भी वर्ब है। रिफ्यूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। डिनाई की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है डिनाइड, डिनाइड। वाई को हटा के आई ई डी लगा देता है, डी ई एन आई ई डी, डिनाइड, एंड डी ई एन आई ई डी, डिनाइड, ठीक है। और रिफ्यूट की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है रिफ्यूटेड एंड रिफ्यूटेड। डिक्लाइन की होती है डिक्लाइंड और डिक्लाइंड, ई डी डी लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैच और होल्ड। कैच और होल्ड दोनों का अर्थ होता है दोस्तों पकड़ना। दोनों का अर्थ क्या होता है? पकड़ना होता है। दोनों ही अपने आप में वर्ब है, लेकिन कैच तो अर्थ होता है गतिशील चीज को पकड़ना, ठीक है। और ये जो है ये स्थिर चीज को पकड़ना, ठीक है ना, स्थिर चीज को और गतिशील चीज। जैसे ट्रेन चल रही है तो आपको ट्रेन को कैच करना होता है, ठीक है, पकड़ना होता है ना। और मान लो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आपके पास बॉल ऊपर से आती है, उसको कैच करते हैं, क्योंकि गतिशील अवस्था में आती है ना, उसको कैच करना मतलब पकड़ना। जो चीज़ गतिशील अवस्था में होती है ना, जो स्टैटिक ना हो, स्टैटिक मतलब स्थिर, गतिशील जो होती है ना,
जिसमें मोशन होता है उसको पकड़ना कैच कहलाता है। होल्ड में ऐसे बोलो ना कि ये पेन होल्ड करना एक बार, है ना, जैसे आप फोन होल्ड करते हो रखना एक बार, है ना, तो देट इज कॉल्ड होल्ड, जो गतिशील नहीं होता है, जो स्थिर होता है। बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं प्रे और प्रे, ये कॉमन सेंस के लिए बताया क्वेश्चन इसका नहीं बनता है ज्यादा। डिनाई रिफ्यूट और इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। सिंक और ड्रोन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। प्रे और प्रे, प्रे और प्रे दोनों का अर्थ देखो। प्रे का अर्थ होता है ऊपर वाले का अर्थ होता है प्रार्थना करना, और नीचे वाले का अर्थ होता है स्वीकार करना। प्रे, ठीक है, पी आर ए वाई, प्रे का अर्थ क्या होता है ऊपर वाले का प्रार्थना करना, किसी से विनती करना, हम प्रे प्रेयर करते हैं ना भगवान की वो। एंड प्रे का अर्थ होता है स्वीकार करना, ठीक है। दोनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है। प्रे प्रेड एंड प्रेड सबका, दोनों का ये निकलता है ई डी ई डी। अमेंड एंड एमेंड दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं दोस्तों। अमेंड का अर्थ होता है संशोधन करना, संविधान में अमेंडमेंट होते हैं कुछ, है ना, पहले इसको समझा देते हैं चलो। अमेंड का अर्थ क्या होता है, संशोधन करना किसी चीज का, संशोधन करना। और इस अमेंड का अर्थ होता है अशुद्धियां निकाल देना या फिर गलतियां निकाल देना, अशुद्धियां निकालना, अशुद्धियां निकाल देना। बातें क्लियर होगी क्या आप लोगों को, ठीक है, एक बार फिर बताते हैं आप लोगों को। देखो अमेंड से नाम बनता है अमेंडमेंट, देखो क्या नाम बनता है, ए एम ई एन डी एम ई एन टी, अमेंडमेंट। हमारे संविधान में संशोधन होते हैं ना, हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन करना है इन चीज़ों को, बदल देना, ठीक है। और एमेंड करना यानी अशुद्धियों को निकाल देना। बातें क्लियर हो रही हैं। जैसे संसद में किसी संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो संसद में उसके लिए वोटिंग की जाती है, जैसे भाई ये संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए, जैसे तीन तलाक का मामला था या फिर कई सारे कुछ भी मामले थे मान लो, ठीक है, 370 धारा थी, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना। बातें क्लियर होगी क्या आप लोगों को। अब हम करेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चन, किस प्रकार से इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप एक बार एक काम कर लो छोटा सा, ये जो है ना इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो ये 25 तक, ठीक है, ताकि मैं इनको मिटा सकूं और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें लिख सकूं। टेक योर टाइम प्लीज। तो ये चीजें आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। यहां से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें सीखी है ना, वो सीखी है हमने रिफ्यूट डिनाई डिक्लाइन एंड रिफ्यूज वाली, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है एरर निकालनी है हमें, ये ए नंबर पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट है हमारा नो एरर का, ठीक है, ये नो एरर है। अगर कोई गलती ना हो तो नो एरर लगा दो। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग्स ही डिस्टर्ब मी। ध्यान से इसमें गलती निकालो, आप क्या सोच रहे हो, इन्हीं वर्ड से संबंधित गलतियां आएंगी। ए में है या बी में है या सी में है, अगर किसी में नहीं है तो डी में लगा दो। बिल्कुल शाबाश, कई बच्चे बोल रहे हैं सर ए में गलती है, और ए में गलती क्या है देखते हैं जरा। सी ओ एम पी एल ए आई एन, एंड एक वर्ड होता है सी ओ एम पी एल ए आई एन टी, ये वर्ब होती है, ये नाउन होती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है ई डी लगाकर। तो आई कंप्लेंट, तो ये जगह किसकी है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है ना, वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे तो क्या लगा रखा है, नाउन लगा रखी है, इसीलिए ये वाला पार्ट क्या है अभी गलत है, और इसका सही बनेगा सी ओ एम पी एल ए आई एन ई डी, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। मैंने सेकंड फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि वाक्य आगे जाके पास्ट में डिस्टर्ब्ड। बातें क्लियर हुई क्या आप लोगों को, ठीक है, ये वाली इसमें क्या थी, गलती थी। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या था, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होता है, के बावजूद, मैं बता देता हूँ, ये पहले भी बताया है मैंने, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या था, के बावजूद, ठीक है। और इन स्पाइट का दूसरा सिनोनिम भी होता है डेस्पाइट, डी ई एस पी आई टी ई, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता। बातें क्लियर होगी, मिटा दूँ इसको, देखो ध्यान से, आई एन एस पी आई टी ई, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का अर्थ होता है प्यारे बच्चों के बावजूद, लेकिन इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में। बातें क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नीड योर एडवाइज, आई नीड योर एडवाइज, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। कौन सी पार्ट में गलती है भाई, कहाँ गलती है जी, बताओ ध्यान से सोच के। आई नीड योर एडवाइज, कहाँ पे हम आपको गलती नजर आ रही है, इस पार्ट में गलती नजर आ रही होगी,
ए डी वी आई एस ई की जगह क्या होना चाहिए, ए डी वी आई सी ई होना चाहिए, क्योंकि ये तो वर्ब है और यहाँ पे वर्ब की जगह ही नहीं है, वर्ब तो यहीं पे आ गई। कोई भी वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होती है, वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद वाला होता है, नीड वर्ब है यहाँ पे, तो आई नीड योर एडवाइस होगा या आई नीड योर एडवाइस होगा, बिल्कुल क्या होगा, एडवाइस। क्यों, क्योंकि दो वर्ड होते हैं, ध्यान से देखो, ए डी वी आई एस ई और ए डी वी आई सी ई, ये जो एस ई वाला है ना ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है, ए डी वी आई एस ई डी और ई डी, ई डी ई डी लगाकर इसकी आगे वर्ब बन जाती है, लेकिन ये तो नाउन है, नाउन के आगे थोड़ी लगाएंगे, तो कौन से पार्ट में गलती थी हमारे, एडवाइस वाले पार्ट में, इस वाले जगह पे क्या आना चाहिए, एडवाइस। तीन नंबर देखो, आई हैव लॉस्ट, लॉस करना मतलब दर्ज करवाना, ए कंप्लेन देयर या ए कंप्लेंट देयर, भाई कंप्लेन नाउन है या वर्ब है, सोच के बताओ, आप खुद पहचानो इन गलतियों को, ठीक है, यहाँ पे कंप्लेन वाले पार्ट में गलती होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये जगह नाउन की है, आई हैव लॉस्ट ए कंप्लेंट, मैंने एक शिकायत दर्ज करवाई है ना, तो शिकायत दर्ज करवाई है तो फिर यहाँ पे कंप्लेन का क्या काम है, यहाँ पे तो नाम क्या आना चाहिए, कंप्लेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कंप्लेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ, बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड द अफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, बैड वेदर बुरा जो मौसम है ना वो किसको अफेक्ट करता है, तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये वर्ब की जगह। अब बताओ दो वर्ड होते हैं, ए डबल एफ ई सी टी और ई डबल एफ ई सी टी, दोनों में वर्ब कौन सी है, ऊपर वाली, नीचे वाला तो क्या है, नाउन है, ठीक है, स्ट्रगल करोगे तो सीख जाओगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे सीख जाओगे, ए डबल एफ ई सी टी, पिछली वीडियो में मैंने ये सारी बातें बताई हैं, अफेक्ट मतलब एक वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है, ये एक नाउन है, बैड वेदर, भाई एस या ई एस किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ लगता है, तो इस जगह ई डबल एफ ई सी टी होना चाहिए था या ए डबल एफ ई सी टी होना चाहिए था, बताओ आप लोग सोच के, इस जगह ये नहीं होना चाहिए था क्या कि ए डबल एफ ई सी टी एस, अफेक्ट वाला नहीं आना चाहिए था क्या, बिल्कुल आना चाहिए था। नेक्स्ट और देखिए, इसमें एक पार्ट में और गलती है, एंड द अफेक्ट इज, यहाँ पे वर्ब थोड़ी आएगी, दो वर्ब एक साथ कैसे हो सकती, एंड द अफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, यानी कि बैड वेदर बुरा जो मौसम है वो क्या करता है, अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ एटमोस्फियर कंप्राइजेस ऑफ थ्री लेयर्स, गलती निकाल के बताओ जरा, बिल्कुल बी पार्ट में गलती है सब, क्या गलती है, कंप्राइज के साथ कभी क्या नहीं लगता है, ऑफ नहीं लगता है, सही है, अर्थ एटमोस्फियर जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना हुआ है, कंप्राइज का अर्थ कहता है से मिलकर बना होना। नेक्स्ट देखो, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम ए बैग, जब कंपनी ने उसे एक बैग ऑफर किया, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट या फिर डिक्लाइंड, क्या आएगा रिफ्यूज की जगह, डिक्लाइन, अभी बताया था मैंने, ऑफर को जब हम स्वीकारते नहीं हैं तो उसकी जगह क्या लगता है, डिक्लाइन, ठीक है, रिफ्यूज तो नॉर्मली चीज के लिए यूज होता है। Our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America. बताओ भाई क्या गलती है, बिल्कुल दो वर्ड होते हैं, एक डिस्कवर होता है एक इन्वेंट होता है, ठीक है, और डिस्कवर में इन्वेंट मंत्र क्या होता है बताएं आप लोगों को, डिस्कवर का अर्थ क्या होता है, जो चीज पहले से मौजूद होती है उसको खोजना, पता लगाना, उसका डिस्कवर का अर्थ सही अर्थ होता है पता लगाना, एंड इन्वेंट का अर्थ क्या होता है, नई चीज बना देना, विज्ञान के उपकरण, जैसे बल्ब नहीं था, मार्कोनी ने बल्ब बनाया है ना, तो वो क्या था, एक इन्वेंशन था, साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साइंटिफिक जो एपरेटस होते हैं उनका हमेशा इन्वेंट किया जाता है, तो अमेरिका तो पहले से मौजूद था, ये से थोड़ी बनाया है किसी ने, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु इन्वेंटेड अमेरिका नहीं आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओविंग टू हैवी रेन्स, ओविंग टू का अर्थ होता है बच्चों ड्यू टू, ड्यू टू, और ड्यू टू का अर्थ जानते हो आप, के कारण, ड्यू टू, ओविंग टू हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, शिप ड्रोन्ड होती है या शिप सैंक होती है, सिंक होती है, बताओ, भिन ड्रोन तो निर्जीव चीज का होता है या सजीव चीज का होता है, ये तो सजीव का है, सिप डूबी है तो फिर ये सैंक होगा, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है ड्रोन की, तो यहाँ पे सिंक की सेकंड फॉर्म भर दो, और कौन सी भरोगे, सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक, सिंक, सैंक, एंड प्यारे बच्चों
संक। नेक्स्ट देखो, द इल फेटेड टाइटेनिक कैरिंग अबाउट 2000 पैसेंजर्स ड्राउन्ड इन द ओशन। फिर वही गलती आ गई भाई, इल फिटेड टाइटेनिक, टाइटेनिक क्या है, एक जहाज का नाम है, तो ड्रोन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, सैंक आएगा, एस ए एन के, सैंक इन द ओशन। नेक्स्ट देखो, ही एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड आएगा या एडवाइज्ड आएगा, अभी बताया था ना मैंने एडवाइस और एडवाइस के बारे में, यहाँ पे बताया था देखो है, तो वर्ब ये तो कौन सी है, ये तो नाउन है, हमें किसके साथ लगाना है, वर्ब के साथ लगाना है, ही एडवाइज्ड मी आएगा यहाँ पे, ए डी वी आई एस ई डी, टू ज्वाइन द कंप्यूटर क्लास लेटर, कंप्यूटर कोर्स लेटर। नेक्स्ट देखो, द अक्यूज्ड रिफ्यूज्ड हैविंग मर्डर्ड एनीबडी, अक्यूज्ड मतलब अपराधी, मर्डर कर किया था उसके लिए उसने क्या कर दिया भाई, मना कर दिया, तो डिसएग्रीड आएगा, डिनाइड आएगा, डिक्लाइंड आएगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा, इस वर्ड का आपको इम्प्रूवमेंट करना है, अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगा दो, गलत है तो इनमें से कोई भी एक आंसर सही लगा दो, तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से, सबके हिसाब से क्या होगा, डिनाई कर देना है ना, डिनाई होता है बातों का खंडन कर देना, पास्ट में जो चीज़ें हुई थी उनके लिए मना कर देना, या आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो, इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमारे लिए एग्जाम में समस्या पैदा कर देते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए हार्डशिप पैदा कर देते हैं और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, या आप हो सकता है आपको एक बार ना समझ आई हो आप लोगों के, या हो सकता है आपको एडवाइस एडवाइस में अभी तक कन्फ्यूज़ हो, लेकिन धीरे धीरे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, बस धीरे धीरे आराम आराम से इन चीज़ों को पढ़ते जाओ, सब कुछ एक दिन आपके हाथों में होगा। सक्सेस विल किस योर फीट वन डे, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी, डोंट वरी। बातें समझ में आई आप लोगों को, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में या मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।